हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 जो की है रेजिन्स के बारे में। रेजिन्स सब लोग जानते ही हो पहले से क्या होता है। किसी पेड़ को कट मार दो तो उसके अंदर से जो क्या निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड से निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आओ देखें यहाँ पर हमको उसके बारे में क्या क्या बातें जाननी है, तो पता ही है, ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स तो कह रहा है, रेजिन्स आर, एक मिनट, हाँ, तो कह रहा है रेजिन्स आर सॉलिड, है ना, हाईली विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा, बहुत गाढ़े होते हैं ये। ट्रांसल्यूसेंट मतलब आर पार नहीं दिखाई देगा, जैसे कांच होता है, जैसे क्लियर कट आर पार ना दिखाई दे। एंड अमॉर्फस, अमॉर्फस क्या होते हैं? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, है ना। क्रिस्टलाइन किसमें आते हैं? जैसे कि हमारा जो मेटल वगैरह होते हैं, और अमॉर्फस जैसे हमारी लकड़ी वगैरह है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी में आ जाएगा? सॉलिड है, हाईली विस्कस है। सॉलिड कैसा है? अमॉर्फस सॉलिड है, हाईली विस्कस है, ट्रांसल्यूसेंट है, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है। इट इज एक्सक्यूडेड बाय, एक्सक्यूड मतलब कोई प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसमें कट मार दो, उस कट में से जो निकलता है बाहर, उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सक्यूडेड बाय वेरियस ट्रीज एंड कंसिडर्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसको मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट माना जाता है। किसका एंड प्रोडक्ट माना जाता है? मेटाबॉलिज्म का, मतलब कि प्लांट के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, उसका एंड प्रोडक्ट होता है ये। इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली, हम लोग इसको सिंथेटिकली बना सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। रेजिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स, जो कि हायर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड आर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन्स में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बनते हैं? रेजिन्स बन जाते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन कैसे? सारे सारे प्लांट के होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन जैसे सेलेक्ट, जैसे लाख या लाह कहते हैं इसमें हिंदी में, ठीक है ना, ऑप्टेन फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट के सिक्रीशन से, मतलब इंसेक्ट अपने अंदर से रिलीज करता है, उसके अंदर से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम लोग शेलेक कहते हैं, वो भी क्या होता है? रेजिन्स के अंदर ही काउंट किया जाता है। दे बिकम सॉफ्ट एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, अगर हीट कर दोगे इनको तो ये मुलायम पड़ जाते हैं और पिघल जाते हैं। रेजिन्स आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन मोस्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, ज्यादातर पोलर नॉन पोलर दोनों में ही क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम, इन दोनों के अंदर तो क्या है ये? इनसॉल्युबल है, बट डिजॉल्व कंप्लीटली इन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, जो दूसरे कुछ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये डिजॉल्व भी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात करें टाइप्स की, तो दो टाइप से हैं, नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल रेजिन्स। नॉर्मल का क्या मतलब है? रेजिन्स डेट आर प्रीफॉर्म्ड, पहले से ही प्लांट के अंदर बना हुआ रखा हुआ है, एंड मेकिंग इंजरी, और अगर प्लांट को इंजर्ड कर दो, काटा पीटी कर दो, तो ये और ज्यादा रेजिन्स बनाने लग जाते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर पहले से ही है, कट मार दो तो और बनने लगेगा, ठीक है। जैसे कि रेजिन्स ऑफ पाइनस, एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल रेजिन्स, रेजिन्स डेट आर फाउंड इन द प्लांट ओनली व्हेन इंजरी और इंसीजन इज मेड। इंसीजन होता है कट या चोट, है ना, प्लांट के तने में जब हम कट मार देंगे तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। बेंजोइन और तोलू बल्सम इसके अंदर काउंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोटा मोटा हम लोग इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक टैक्सोनॉमिकल और एक केमिकल, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिकल की बात करें तो फर्दर तीन टाइप्स है हमारे पास ये, ओके। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर तीन टाइप्स है, कोनीफेरस रेजिन्स, ठीक है ना, जो कोनीफेरस रहेगा, बारबिडेसी फैमिली को लेकर के, और जाइगो फाइलेसी रेजिन्स, यानी कि फैमिली वाइज जो हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से रेजिन्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है। कोलोफेनी, सैंड्रैक, ठीक है ना, पोडोफाइलम और गोयाकम जो इस फैमिली के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल की, देखो बच्चों, केमिकल में मैं अभी एक तो यहाँ पर रेजिन्स एसिड, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाएंगे, जिनके अंदर ईस्टर पाए जाएंगे, जिनके अंदर अल्कोहल पाया जाएगा, जिसके अंदर फिनॉल पाया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऑयल और गम दोनों का मिक्सचर होगा, यहाँ पर गम और ऑयल, सॉरी गम और रेजिन का मिक्सचर होगा। तो होना क्या है यहाँ पर,
जैसे मैंने यहां पे सिंपल एक लाइन, ये एक लाइन में इसको क्लासिफाई कर दिया कि ये ऐसे हैं, ठीक है। फर्दर मैं यहां पर इसको वापस से क्या कर दिया है, यहां पर केमिकल ग्रुप और उसके एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है ना। मतलब कि अब यहां पे तुम लोग क्या करना, तुम्हारी चॉइस है, ये छोड़ दो ऐसे कर दो, ठीक है, रेजिन और साथ में एग्जांपल, या सबसे पहला काम तो क्या है हमको, क्लासिफिकेशन याद करना है। क्लासिफिकेशन जब याद हो जाएगा फिर उसके कुछ एक एक एग्जांपल याद कर लो, ठीक है ना। ठीक है, ये वो है जिसमें हमारे पास क्या है, केमिकल ग्रुप वाइज है, और ये क्या है, रेजिन्स विद गम और एसेंशियल ऑयल, यानी कि जब रेजिन्स में गम और एसेंशियल ऑयल मिल जाएंगे, जुड़ जाते हैं आकर के, तो कुछ अलग टाइप के रेजिन्स बन जाते हैं, गम रेजिन्स जब गम जुड़ेगा, ठीक है ना, ऑयलो रेजिन्स, ओलियो गम जब गम जुड़ जाता है तो, और ये बल्सम, थर्ड टाइप वैरायटी कौन सी आती है, बल्सम आती है। तो रेजिन्स में जब तुम्हारे वोलेटाइल ऑयल या गम आके मिल जाते हैं तो कुछ वैरायटी क्रिएट होती है, ठीक है। ये वैरायटी है तुम्हारी जब केमिकल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आकर के उसके साथ जुड़ते हैं, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी यहां पे तोड़ दी गई है, केमिकली हम लोगों ने यहां पे जो डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और इन्हीं को ये 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं को यहां पर बारी बारी से मैंने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये बारी बारी से नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते हैं इसको। पहले हम लोग वापस से आते हैं, वापस से देखते हैं हम लोग कि किस टाइप से केमिकली, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एसिड, ईस्टर, अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है। आगे आते हैं, जब रेजिन्स में गम या ऑयल एड हो जाए आकर के, ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, रेजिन्स आर क्लासिफाइड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या कह रहा है, रेजिन्स आर क्लासिफाइड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ टू इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, सेकेंडली एज पर देयर एसोसिएशन विद द अदर ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ना, लाइक एसेंशियल ऑयल और गम। तो केमिकल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ उसके साथ में, उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर कौन सा ऑयल या गम उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है अभी, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स कैटेगराइज दिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, एसिड है, फिनॉल है, कौन सा है। तो रेजिन्स एसिड क्या है इसके बारे में, इनके बारे में तीन चार लाइनें हैं, तो चॉइस है तुम्हारी, चाहो तो ओवरऑल लिख के छोड़ दो, और पांच नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी और डिटेलिंग चाहते हो तो ये चीजें भी उसमें साथ में ऐड कर सकते हो, यानी कि चाहो तो ऊपर वाला मत लिखो, डायरेक्ट यहां से लिख दो, लेकिन ऊपर वाला लिख दोगे तो देख करके लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हाँ रेजिन एसिड है इसके बारे में चार लाइनें लिखनी है, फिनोलिक एसिड रेजिन है इसके बारे में चार लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो आप फटाफट देख लें इसको हम लोग क्या बोल रहा है, रेजिन्स एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कौन सा ग्रुप जुड़ा है यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कंटेनिंग रेजिनस सब्सटेंस विच मे और मे नॉट हैव एसोसिएशन विद फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड के साथ एसोसिएशन हो भी सकता है और नहीं भी, दिस कंपाउंड्स फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री होते हैं ये, या फिर ईस्टर के डेरिवेटिव होते हैं, है ना, ईस्टर से बने हुए होते हैं ये, बीइंग एसिडिक, एसिडिक होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल है ये, ले पानी में ऑफ किस, सॉरी पानी में नहीं, किसका सॉल्यूशन में, अल्कली के एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, प्रोड्यूसिंग फ्रोथी सॉल्यूशन, एक झागदार सॉल्यूशन बनाते हैं, फ्रोथ बताया था मैंने, फ्रोथ क्या होता है, झाग होता है, ठीक है। रेजिन्स एसिड कैन बी डेरिवेटाइज टू देयर मेटेलिक साल्ट नोन एज रेजिनेट, वो उनको हम लोग मेटेलिक साल्ट में डेरिवेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिनेट कहते हैं, विच फाइंड देयर यूज इन, जिसका इस्तेमाल होता है साबुन में, पेंट में, वार्निश में, ठीक है। द एबियोटिक एसिड एंड कोमिफोरिक एसिड प्रेजेंट इन कोलोफोनी एंड मिर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये उसमें पाया जाएगा कोलोफोनी में और ये मिर में पाया जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ द रेजिन्स एसिड, ये एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखे हैं। ओके, देखा कोलिफेनी है ना, एग्जाम्पल कोलिफोनी के अंदर पाया जाता है, मिर के अंदर पाया जाता है, ये एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं। उनके अंदर कौन सा दे रखा है उसके एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं मैंने, क्लियर है बातें। तो थोड़ा सा लर्निंग पार्ट यहां पे भी है, बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, यानी कि चाहो तो इसी टेबल में यहां पर जैसे ये है ना एसिड, तो लिख लो कौन सा ग्रुप, अरे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, यहां ईस्टर लगा हुआ है, इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, थोड़ी सी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है तो इजीली एक लाइन तो लिख ही ले जाओगे, फिर ये एग्जांपल दे दोगे, क्लियर है बातें।
ठीक है, आगे आते हैं। फिर हमारे पास क्या है, रेजिन सिस्टर है। रेजिन सिस्टर क्या होते हैं, ओके, रेजिन ईस्टर आता है, ईस्टर्स ऑफ द रेजिन्स, रेजिन्स के ईस्टर्स, ठीक है, ईस्टर्स ऑफ द रेजिन एसिड्स, ठीक है, और द एरोमेटिक एसिड या फिर अदर एरोमेटिक एसिड होते हैं। एरोमेटिक मतलब जिसके अंदर बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है, लाइक बेंजोइक सिनामिक सैलिसिलिक एसिड, ये उसके एग्जांपल्स में आ गए। ड्रैगन्स ब्लड एंड बेंजोइन आर द कॉमन रेजिन ईस्टर कंटेनिंग ड्रग, ठीक है ना, ड्रैगन्स ब्लड एंड बेंजोइन, इनके अंदर, बेंजोइन के अंदर ये हमारे क्या पाए जाते हैं, रेजिन ईस्टर पाए जाते हैं। रेजिन अल्कोहल और रेजिनॉल्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना, रेजिनॉल किसका नाम है, रेजिन अल्कोहल का नाम है, आर द कॉम्प्लेक्स अल्कोहलिक कंपाउंड, कैसे कंपाउंड है ये, अल्कोहलिक कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट याद ना रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्कोहलिक होते हैं ये, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लाइक रेजिन एसिड, जिस तरीके से रेजिन एसिड है, दे आर फाउंड एज फ्री अल्कोहल, ये फ्री अल्कोहल की तरह पाए जाते हैं, या फिर ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक सैलिसिलिक एंड सिनामिक एसिड। ईस्टर्स होते हैं किसके, बेंजोइक के, सैलिसिलिक के और सिनामिक एसिड के। अब थोड़ी सी नेमिंग यहां बहुत ज्यादा है, केवल यहां तक लिख के छोड़ देना। तो मैं फिर कह रहा हूं, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हाँ पूरा पढ़ा दे, पूरा पढ़ना है, जब चार पांच नंबर में लिखने को आएगा तो इतनी लाइन लिख के छोड़ दी चलेगा, काफी है। दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस अल्काली, ये इनसॉल्युबल है किसमें, अल्काली के अंदर, एंड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, किसके अंदर सॉल्युबल है, अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर सॉल्युबल है। रेजिनॉल आर प्रेजेंट इन बेंजोइन एज बेंजो रेजिनॉल एंड स्टोरेक्स एज स्टोरो स्टोरेजिनॉल। तो देखो अब जैसे ये दो लाइन तो करनी पड़ेंगी अगर लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो ठीक है, ये कोई चीज याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये दो पॉइंट्स के बारे में एक्स्ट्रा से लिख दोगे तो थोड़ा सा लिखने के लिए कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। रेजिन फिनॉल कितना सिंपल है, इसके अंदर फिनॉल होगा और रेजिनोटेनॉल्स, ठीक है ना, जैसे यहां पर इसका नाम क्या था, इसका नाम यहां पर रेजिनॉल है, तो रेजिनोटेनॉल्स, ठीक है ना, ये भी हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं। विच ऑकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट और ईस्टर, ईस्टर के फॉर्म में होंगे या फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप दे फॉर्म फिनोक्साइड्स, फिनोलिक ग्रुप होने की वजह से ये क्या बनाते हैं, फिनोक्साइड बनाते हैं, एंड बिकम सोल्यूबल इन एक्वस अल्काली। एक्वस अल्काली में क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि ये फिनोक्साइड बना पाते हैं। हाउएवर दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व इन अल्कोहल, वाटर में इनसॉल्यूबल है बट अल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं। रेजिनोटेनॉल्स गिव्स अ पॉजिटिव रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ क्या देता है, ये पॉजिटिव रिएक्शन देगा। द रेजिनेटॉल रेजिनोटेनॉल आर फाउंड इन बल्सम ऑफ पेरू, एज बल्सम ऑफ पेरू में किस रूप में मौजूद है, पेरू रेजिनोटेनॉल, और इन टोलू बल्सम में एज टोलू रेजिनोटेनॉल, टोलू रेजिनोटोलो टेनॉल, टोलू में टोलू लगा दोगे आगे, और बल्सम में, बल्सम ऑफ पेरू में आगे पेरू लगा दोगे, ठीक है। एंड बेंजोइन में एस सिया साइरा सिया रेजिनोटेनॉल, है ना, सिया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ये बेंजोइन और बल्सम ऑफ पेरू हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अगर वो चीज तुमने अच्छे से पढ़ रखी है तो ये वर्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन ग्लूको रेजिन्स, रेजिन्स समटाइम गेट कंबाइंड विद सुगर्स, सुगर के साथ, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के साथ कंबाइन कर जाते हैं बाय ग्लाइकोलाइजेशन, जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये लोग जुड़ते हैं सुगर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइजेशन कहते हैं, एंड प्रोड्यूस ग्लूको रेजिन्स। एग्जाम्पल, ग्लूको रेजिन्स कैन बी हाइड्रोलाइज, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कह रहा है ग्लाइको रेजिन्स कैन बी हाइड्रोलाइज बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू द ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन, ये ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन वर्ड याद है पहले वाला, ठीक है ना, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिजिन्स केमिकली इनर्ट, रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट प्रोडक्ट होते हैं आर जनरली टर्म्ड एज रिजिन्स, जो रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिजिन्स कहलाते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट एंड नेवर फॉर्म ईस्टर, कभी, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कभी ईस्टर नहीं बनाते हैं, और अदर डेरिवेटिव, कोई और दूसरा डेरिवेटिव भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैसे हैं ये, इनर्ट हैं। तो रिजिन्स के साथ एक खास वर्ड जुड़ गया, इनर्ट। रिजिन्स आर सोल्यूबल इन बेंजीन क्लोरोफॉर्म एंड सम एक्सटेंड टू पेट्रोलियम ईथर, ठीक है ना, बेंजीन क्लोरोफॉर्म और पेट्रोलियम ईथर में ये क्या है, सोल्यूबल है। रिजिन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर,
ठीक है। अब ये पॉइंट याद रहे तो अच्छी बात, अदरवाइज पहला पॉइंट ठीक है ना, वो तो हमें लिखना ही लिखना है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, एसोफोइटिडा जो अपनी हींग होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजीन कंटेनिंग ड्रग विच कंटेन ड्रग अबाउट 50% ऑफ एसारिसिन बी, इसके अंदर लगभग 50% एसारिसिन बी पाया जाता है, बात समझ में आ रही है। देन है ऑयलियोरेजिन, ऑयलियोरेजिन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल, देखो ये वर्ड याद रखोगे, रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल, बाकी कुछ याद रखो ना रखो ठीक है। अब क्योंकि वोलेटाइल ऑयल जुड़ा है तो इसके अंदर इसेंस ड्यू टू वोलेटाइल खुशबू होगी इसके अंदर एक खास तरीके की ठीक है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल है, तारपीन तेल कहते हैं इसे हम लोग, जिंजर है, अदरक है, कोपाइबा है, कैनेडा रेजिन है, आर फी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयलियो रेजिन, खुशबू आती है खास क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल के साथ मिक्स हो रखा है। गम रेजिन, गम रेजिन आर द नेचुरली ऑकरिंग मिक्सचर ऑफ रेजिन विद गम, गम के साथ जब मिक्सचर करेगा तो उसे गम रेजिन कहेंगे, है ना, कितना सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो याद हो जाएगा एक ही बार में। ड्यू टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अभी सॉल्युबिलिटी वगैरह याद रहना रहे कोई बात नहीं, गम्स कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट फ्रॉम द रेजिन बाय डिसॉल्विंग द गम इन वाटर, हमको इस गम रेजिन के अंदर गम और रेजिन मिले हुए हैं, पानी में घोल दो, गम अलग होगा रेजिन अलग हो जाएगा, खत्म कहानी। अमोनियाकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल गम रेजिन, अमोनियाकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल गम रेजिन, क्लियर है। आगे आते हैं ओलियो गम रेजिन आर द नेचुरल ऑकरिंग मिक्सचर ऑफ रेजिन वोलेटाइल ऑयल एंड गम्स, ओलियो गम और रेजिन, गम है, रेजिन है और वोलेटाइल ऑयल है हमारे पास ठीक है ना, तीन चीजों का मिक्सचर हो गया ये। द एग्जाम्पल इंक्लूड्स गम मिर, एसोफोइटिडा और गैम्बोइज ठीक है। ऑयलियो गम रेजिन ऊजेस आउट, ऊजेस मतलब कहीं से बाहर निकलना, आउट फ्रॉम द इंसिजन मेड इन द बार्क एंड हार्डन्स ठीक है ना, जो बार क्या जो उसके हार्डवुड होता है उसमें जब कट मार देंगे ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होगा, निकल निकल के बाहर आ जाता है, क्लियर है। देन लास्ट में आ रहा अपना बल्सम्स, बल्सम्स आर द नेचुरली ऑकरिंग रेजिनस मिक्सचर विच कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक बल्सेमिक एसिड, तो बल्सम जो बल्सम्स रेजिनस होते हैं उनकी खासियत क्या है, एरोमेटिक बल्सेमिक एसिड इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाएगा ठीक है, सच एज बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड और अदर एंड देयर ईस्टर, तो इनमें कुछ एग्जाम्पल आ गए कि एरोमेटिक बल्सेमिक एसिड कौन कौन है, बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड एंड देयर ईस्टर या उनके बनाए हुए ईस्टर। अब बल्सम्स कंटेन फ्री एसिड एंड आर पार्शली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, फ्री एसिड होते हैं जो कि कुछ हद तक पानी में हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट बल्सम कंटेन ड्रग्स आर बल्सम ऑफ पेरू, बल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन एंड स्टोरेक्स ठीक है, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो ऑयलियो गम रेजिन कंटेनिंग ड्रग लाइक कोपोबिया एंड कनाडा आर समटाइम्स रॉन्गली रेफर्ड, हाँ देखो ये बात है, ऑयलियो गम रेजिन है ना, जैसे कि कोपाइबा एंड कनाडा आर समटाइम्स रॉन्गली रेफर्ड टू एज बल्सम्स, इनको कई बार हम गलत समझ लेते हैं, इनको हम लोग कई बार बल्सम समझ लेते हैं ठीक है ना, तो ये हमको नहीं समझना है, इसीलिए थोड़ा सा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये, क्लियर है ऑब्जेक्टिव में। ऑकरेंस, अब यहां तो पूरा रटना ही यहां करना ही है, ऑकरेंस में क्या रहेगा, कौन कौन सी फैमिली हमारे पास ठीक है, ऑकरेंस में अच्छा कहां कहां पाए जा रहे हैं, रेजिन सेल्स होते हैं जैसे कि जिंजर के अंदर रेजिन सेल्स पाए जाएंगे, पाइन वुड के अंदर डक्ट साइजोजिनस डक्ट में होते हैं ये, देन कैनाबिस के अंदर ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, जिंजर का इस नाम दे रखा है उसकी फैमिली दे रखी है, पाइन वुड का नाम दे रखा है उसकी फैमिली दे रखी है, कैनाबिस का नाम दे रखा है उसकी फैमिली दे रखी है। अब चाहो तो ये याद रखो ना रखो, इतना तो याद रखना है, जिंजर पाइनवुड और कैनाबिस, क्या आ गया इसका, ये ऑकरेंस आ गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फैले पड़े हैं, ये स्पर्मेटोफाइटा जितने बीज वाले प्लांट हैं उनमें भी पाया जाता है, फर्न्स टेडोफाइटा में पाया जाता है, एबसेंट इन थैलोफाइटा यानी कि फंगस वगैरह में ये नहीं होते हैं। रेजिन्स आर द ओवरऑल नेट रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन हायर प्लांट, हायर प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से रेजिन्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिन कंटेनिंग फैमिलीज आर, कौन कौन सी फैमिली है, पिनेसी, लेग्यूमिनेसी, डिप्टेरो कार्पेसी, बर्सिया रेसी और एम्बेलीफेरे, उसके एक एग्जाम्पल दे रखें ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपने पास, ये लर्निंग है, कुछ खास नहीं है समझने के लिए। आइसोलेशन फिर समझ लेंगे हम लोग, आइसोलेशन में क्या है, अच्छा इसका आइसोलेशन क्या है, थोड़ा सा अलग रहता है, हर एक के अंदर कहीं पे गम लगा हुआ है, किसी में क्या लगा, वोलेटाइल ऑयल है, अब वोलेटाइल ऑयल वाले को हीट करके हटाना पड़ेगा, गम वाले को डिसॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा अलग अलग मैटर हो जाता है, तो इसीलिए कह रहा है बाय एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग विद अल्कोहल एंड प्रेसिपिटेटिंग, एक तरीका तो ये है कि हम लोग अल्कोहल के साथ उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, रेजिन्स प्रेसिपिटेट बन जाएंगे है ना, यानी कि सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा,
फिर से कंसंट्रेट कर लेंगे बाय एडिशन ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी डालेंगे और कंसंट्रेट होकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बाय डिस्टिलेशन फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल, अगर तेल है उसके अंदर तो तेल अलग करना पड़ेगा, रेजिन अलग करना पड़ेगा, तो डिस्टिलेशन कर देंगे। बाय हीटिंग द प्लांट पार्ट, है ना, गम वगैरह है तो हीट कर देंगे। एज प्लांट एक्सुडेट, या डायरेक्ट जो चीज प्लांट से निकल रही है बाहर, कट मारेंगे उसके अंदर से बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े से अलग अलग पार्ट हैं कि ऑयल है उसके अंदर कि गम है कि क्या है, उसकी वजह से अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेथड की बात करें, अगर मेथड के रूप में इसे कन्वर्ट कर लें तो बड़ा सिंपल है, याद करना, पाउडर ड्रग लेंगे, ऐसे याद कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सट्रैक्ट द रेजिन विद अल्कोहल, जो पहला वाला पार्ट था, छानेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, अल्कोहल उड़ाएंगे तो बचा हुआ पार्ट बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट विद द एक्सेस ऑफ वाटर एंड शेक, पानी डालेंगे और हिलाएंगे तो क्या होगा, वो आपस में मिलते मिलते बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। रेजिन्स गेट पेस्टेट, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, रेजिन्स मिल जाएंगे। या दूसरा तरीका, ये तो था सिंपल, हम यहाँ पर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, लेकिन अगर तेल वगैरह है उसके अंदर तब क्या करेंगे, पाउडर ड्रग कंटेन ऑयलियो रेजिन, है ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, वोलेटाइल ऑयल वगैरह मौजूद है। परकुलेट द पाउडर ड्रग विद नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, परकुलेशन करवा लेंगे इसका, एक्सट्रैक्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या कराएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, ऑयल रेजिन अलग हो जाएगा, वोलेटाइल ऑयल अलग हो जाएंगे, रेजिन पार्ट अलग और ऑयल पार्ट अलग अलग हमको ये मिल जाएंगे, क्लियर है। तो मेथड वाइज याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा हमको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बच्चों, कुछ तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसे स्टीम डिस्टिलेशन में थोड़ा समझा रखा है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बता चुके हैं, अब अगर ये सब चीज़ें नहीं पती हैं, परकुलेशन बता चुके हैं, अगर ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं है तो ये मेथड को फिर रटने जैसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा यार क्या पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी नहीं आ जा रहा है। परकुलेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ चुके हैं, स्टीम डिस्टिलेशन बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, ऑयल रेजिन वोलेटाइल ऑयल, खैर ये तो अलग बात होगी। तो ये प्रोसेस की काफी सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, और अगर अभी ये दिमाग में नहीं होंगी तो क्या होगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि रटने जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चले आगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत सारे दे दिए मैंने यहां पर, दो तीन याद कर लेने हैं, क्लियर है, कितने याद कर लोगे, दो तीन याद कर लोगे। पहला HCl टेस्ट, HCl टेस्ट, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, HCl क्या आएगा, पिंक कलर आएगा, प्रेजेंस ऑफ रेजिन। FeCl3 टेस्ट, FeCl3 डालेंगे, ग्रीन ब्लू कलर आएगा, प्रेजेंस ऑफ रेजिन, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें आगे थोड़ा सा और, जैसे कि कॉपर एसिटेट टेस्ट, पेट्रोलियम ईथर डालेंगे, इमारलेंट ग्रीन कलर आ जाएगा, ये बताएगा एबेटिक एसिड। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंफर्मेशन दे रहा है खास चीज की, यहाँ पर केवल क्या बता रहा था कि हाँ रेजिन्स हैं, अब ये कुछ ऐसे टेस्ट है जो पर्टिकुलर कौन सा रेजिन है वो मिल जाएगा। कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एसोफाइटिडा, एसोफाइटिडा मतलब हींग के लिए खास टेस्ट है, ये वाले HCl और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ब्लू फ्लोरसेंस, ग्रीन कलर, रेड कलर और वायलेट, यानी कि या तो ये मिलाएं या ये मिलाएं या ये मिलाएं या ये मिलाएं या ये करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कहीं पे एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक मिनट, ठीक है, प्लस ये एक साथ है, इसमें क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा, नाइट्रिक एसिड में ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, तो ये हमको क्या बताएगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, अम्बेलिफेरॉन मौजूद है। फिर कह रहा हूँ बहुत सारे याद नहीं करना, जो इजीली याद हो जाए उनको याद कर लोगे। टेस्ट फॉर SPDM ऑयलियो रेजिन, डायल्यूटेड अल्कोहल सोल्यूशन प्लस FeCl3, ग्रीन कलर आएगा, क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, ये सब मौजूद होगा, फिल्मारोन, फ्लेवोस्पाइडिनॉल, फ्लेवोस्पाइडिक एसिड, ठीक है ना। टेस्ट फॉर मिर, ठीक है ना, तमाम टेस्ट हैं तो इसको तुम लोग देख लोगे, ये नाइट्रिक एसिड है, Br2 वेपर्स हैं, पर्पलिस वॉलेट या वॉलेट कलर आएगा जो कि कॉमिफोरिक एसिड को बताएगा हमको। तो ये सारे टेस्ट है मेरे पास है, टेस्ट फॉर बल्सम ऑफ तोलू, इसको पढ़ लोगे अच्छे से। FeCl3 डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, K1O4 डालोगे यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, एक खुशबू से आ जाएगी, क्लियर है। तो ये कुछ टेस्ट फॉर बेंजोइन है, तो ये कुछ खास टेस्ट हैं। तो अच्छा यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कुछ भी पूछ ले, लेकिन जब एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर या 5 नंबर में, फिर तो हमारी मर्जी है, 3 नंबर 5 नंबर हमारी मर्जी है, 3-4 टेस्ट हम कौन से देना चाहते हैं वो दे दोगे बस, क्लियर है बातें। आगे आते हैं, थेरापेटिक एक्टिविटी, एंटी डायबिटिक है, एंटी अल्सर है, हेपेटो प्रोटेक्टिव है, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, एंटी फर्टिलिटी है, ठीक है, मेमोरी एनहांसिंग है, मेमोरी को तेज करता है, एंटीवायरल है, वायरल के खिलाफ काम करेगा, फंगस के खिलाफ काम करेगा, एंटी हेलमेंटिक जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके खिलाफ काम करेगा, एंटी स्पास्मोडिक जो मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह उठती है, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी है,
ठीक है, एंटी कैंसर है, कैंसर के खिलाफ काम एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट पढ़ चुके ना, ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है इनकी, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेजिन, तो देखो हमको पता ही है, एक तो थेरोपेटिक वाली एक्टिविटी होती है, यानी कि रेजिन्स आर लोकल इरिटेंट, हैंस एक्ट एज ए लोकल कैथेटिक, इरिटेंट मतलब जैसे यहीं लगा दो तो खुजली उजली इचिंग सी होने लगती है, ठीक है। एंटी कैंसर है, यहाँ पे एक नया आ जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में काम आता है, यूज एक्सटर्नली एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, बाहरी तौर पे खाल आल पे इस्तेमाल कर लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स, ठीक है ना, इन सब में काम आता है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन जो होते हैं इमल्सन, ठीक है ना, जैसे कि हमारी जो आइसक्रीम है उसमें तेल ऑयल और पानी का मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर फैट भी होता है पानी भी होता है, तो उसे इमल्सन कहा जाता है। एंड सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन यानी कि वो दवा होती है जो सस्टेन रिलीज करवाना है हमें, कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलते, एकदम ना घुले, थोड़ा 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 करके निकले, दैट इज कॉल्ड सस्टेन रिलीज, है ना। फिर क्या है आयन एक्सचेंज रेजिंस, जो आयन एक्सचेंज रेजिंस होते हैं ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि ये क्या चीज होती है। पॉलीमेरिक एडजॉर्बेंट, ये जो चीजें होती हैं कैन बी यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। किस किस का एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन हो रहा है, एंजाइम्स का, हार्मोन का, अल्कोलॉइड का, वायरस का, एंटीबायोटिक्स का, एंड ट्रीटमेंट एंड फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो कई सारे इसके इस्तेमाल है हमारे पास, तो इस तरीके से क्या है ये, इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, मतलब फार्मेसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका रोल रहता है। तो ये थे हमारे पास क्या रेजिंस, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट यहां पे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाता है, और इसको लर्न करोगे जितना हो सकेगा, ज्यादा ज्यादा याद कर लोगे, ज्यादा याद नहीं कर पाओगे तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजिंस, तो अब तुम्हें पता ही है शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है ना। अब डायरेक्ट जब शॉर्ट नोट आ जाएगा, मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, डायरेक्ट शॉर्ट नोट आएगा तो इसमें तुम लोगों को क्या करना है ना, क्या करोगे, ये ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, इन सब के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट आ गया है तो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हेडिंग्स पक्का याद रखना कि क्या क्या हमारे कोर्स में थी, जब शॉर्ट नोट आएगा तो हमें इन्हीं हेडिंग्स के हिसाब से अपनी आंसरिंग करनी होती है, क्लियर है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, बस पेपर आ गए हैं तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और ऑल द बेस्ट।